ambition in life. देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने दुनिया भर में भारत की छवि को सुधारा है। विदेशों की नई तकनीक भारत में आई है और साथ ही पूरी दुनिया में भारत की छवि अब बदल चुकी है। बीजेपी सरकार के आते ही देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, अर्थव्यवस्था में खुलापन आया है, ओपननेस आई है, देश को निवेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, व्यवसाय करने का जो माहौल है उसको सरल करने की आवश्यकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपैंड करना उसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख फीचर रहा कि निर्णय प्रक्रिया में एक ट्रांसपेरेंसी आए, देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो जितने भी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं उसमें जो सरकारी या मिनिस्टेरियल डिस्क्रिशंस थी, उन मिनिस्टेरियल डिस्क्रिशंस को समाप्त करना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल की जंग बढ़ती ही जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार और आईएएस एसोसिएशन खुलकर एलजी नजीब जंग के पक्ष में आ गए हैं। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी और उपराज्यपाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एलजी सिर्फ एक चेहरा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के वॉइस रॉय हैं और केंद्र के आदेशों का ही पालन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में अपने पसंदीदा अधिकारियों को ही रखना चाहती है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उपराज्यपाल के अधिकार स्पष्ट किए हैं। 21 मई की तारीख वाली इस अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि एलजी को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा अधिकार है और वह चाहे तो मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वह 3 विधायकों के जरिए बैकडोर से दिल्ली पर राज करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हर चीज का आदेश ऊपर से आता है, जंग साहब तो बस चेहरा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी जंग साहब से कोई जंग नहीं है, हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जिन्हें इस नोटिफिकेशन द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने आतंकवाद के खात्मे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पारिकर ने कहा कि आतंकियों को मारने के लिए आतंकी बनने में क्या बुराई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई लोग पैसों के बहकाव में आकर आतंकवादी बन जाते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो फिर हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करें। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ आतंकी इस्तेमाल करने में क्या नुकसान है, हमारे सैनिक ही क्यों जाकर लड़ें। आतंकियों के खिलाफ हमारी रणनीति की प्राथमिकता उन्हें पहले पहचानने और फिर बेअसर करने की है। आतंकियों को मारने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम खट्टर ने भी शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गेस्ट टीचर्स के रोजगार के लिए चिंतित है और भविष्य में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में भी छूट देने का विचार किया जा रहा है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने एक जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। विज्ञान के प्रति रुचि हमारे युवकों की, छात्र छात्राओं की बढ़े और जो विज्ञान में नई नई खोज और आविष्कार करने वाले ऐसे 4 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया है। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। कि कोर्ट के जो आदेश का पालन, ये हमको क्योंकि कोर्ट का आदेश है इसलिए उस अनुसार करना होगा, लेकिन फिर भी हमको पूरा चिंता है उनकी कि उनके रोजगार की, उनके परिवारों के पालन पोषण की व्यवस्था, जैसी भी जो भी लिमिटेशंस उनमें जितनी संभव होगी जरूर करेंगे, लेकिन इसमें उनको भी सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता इसमें से निकले। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले साल भी जो घटनाएं हैं उससे इस बार कोई घटनाएं ज़्यादा नहीं हैं, वो घटनाएं उससे कम ही हैं और उसमें मुझे लाइन ऑर्डर के नाते होम डिपार्टमेंट की जो उपलब्धि है वो बताने में मैं बताना चाहूँगा कि हमने जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं उसमें जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनको पकड़ने की जो यानी तत्परता है
वो हमारी पुलिस विभाग की बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और हम पुलिस को हर संभव जो भी उनके लिए साधन चाहिए, जो आवश्यकताएं हो पूरी कर रहे हैं और भी जो पूरी करने हो करेंगे। हम चाहेंगे कि समाज के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, इसमें कहीं कुछ नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी का देश भर में एक जो सदस्यता का कार्यक्रम हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हो गई है। हम इन 2.5 महीनों में उन सब सदस्यों को संपर्क करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हरियाणा में भी 34 लाख के लगभग सदस्य बने हैं, आज से वो संपर्क अभियान शुरू हुआ है। झज्जर में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि गैस टीचर्स के रास्ते में बाधा न्यायालय है, सरकार नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गैस टीचर्स के साथ है, लेकिन ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से आज महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। सीएम ने मिस कॉल देकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत बीजेपी ने प्रदेश भर में करीब 34 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने सरकार की एक साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए रॉबर्ट वाड्रा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि एक साल के दौरान गायों को मुस्कुराते हुए देखा है और जीजा जी को सफाई देते देखा है। इस एक साल के अंदर अंदर भारत माता की जय दुनिया के सब रूपों में बोलती हुई हमने देखी। इस एक साल के अंदर हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देखा है। इस एक साल के अंदर हमने बदलते हुए देश को देखा है, जिसमें इस प्रकार का जज्बा और जोश भरा है कि हम दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकते हैं। इस एक साल में हमने गाय मुस्कुराती देखी है और जीजा जी को सफाई देते हुए देखा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की पोल खोल यात्राओं से कुछ लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस की अलग अलग दिशाओं से आ रही दो सेनाएं हैं, जिनकी अब पानीपत में चौथी लड़ाई होगी, देखो विजय कौन होता है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा को कहां से घेरेंगी, पहले ये सेनाएं आपस में ही लड़मड़ लें, फिर जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तल्खियों की कई तस्वीरें कई मौकों पर सामने आ चुकी हैं। एक पार्टी है, दो यात्राएं निकल रही हैं, एक अंबाला से, एक कंडेला से। ये तो इस प्रकार से है जैसे दो कांग्रेस की सेनाएं निकल रही हैं और पानीपत में जाके पानीपत की चौथी लड़ाई लड़ेंगे। पहले खुद लड़ मर लें, जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे। नीलोखेड़ी में विधायक भगवान दास कविपंथी ने कहा कि करनाल में अमित शाह की 26 मई को होने वाली रैली ऐतिहासिक रैली होगी। रैली में अमित शाह सरकार का एक वर्ष का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा प्रदेश सरकार ने 6 माह के थोड़े से कार्यकाल में भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन, सीएम इंडो और कई अन्य योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया गया है। पिछली सरकार की तरह नौकरियां बेची नहीं जाएंगी, मेरिट के आधार पर ही दी जाएंगी। आपके बागी नेता स्वराज संवाद अभियान की शुरुआत करने वाले योगेंद्र यादव जल्द ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। योगेंद्र यादव ने स्वराज संवाद अभियान की कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 29 सदस्य को शामिल किया गया है। साथ ही जय किसान अभियान को दोबारा से शुरू किए जाने की बात भी कही जा रही है। हिसार की जाट धर्मशाला में सरखाब महिला संगठन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरखाब महिला की प्रदेश अध्यक्ष संतोष धैया ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए खाप ने महिलाओं के संगठन को मजबूत करने और बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिलाओं की एक कमेटी बनाई है, जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। कि हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हम एक प्रधान बनाएंगे और गांव स्तर पे हर गांव में 5 महिलाएं होंगी। वो 5 महिलाएं उस गांव की हर एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगी, जैसे कौन महिला प्रेग्नेंट है, वो किसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किस तरह की महिलाओं को परेशानियां हैं, वो सब वो महिलाएं उसको सुनिश्चित करेंगे। और जो 11 मेंबरीय हम कमेटी बनाएंगे पूरे प्रदेश में, वो 11 मेंबरीय कमेटी के पास वो किसी भी तरह की कोई शिकायत कर सकती है। बल्लभगढ़ के प्रथला विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के अच्छे दिन आ गए हैं। यहां पिछले 5 साल से सड़कों की खस्ता हाल से परेशान ग्रामीणों को सीएम खट्टर ने 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। दरअसल बीते सोमवार को मोहना पहुंचे सीएम खट्टर ने विधायक टेकचंद शर्मा ने क्षेत्र के विकास की मांग रखी थी, जिन्हें सीएम खट्टर ने तुरंत मान लिया और 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूर किया, जिनमें करीब 11 करोड़ रुपए से सड़कों के विकास कार्य कराए जाएंगे। पहली हुई है ये खट्टर साहब की, इसमें बता रहे हैं कि भाई 200 करोड़ रुपए आए हैं सड़कों के लिए और बसला विधानसभा के लिए विकास के लिए, तो उम्मीद जगी है। अब तो ये है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए, क्योंकि कई काम ऐसे थे पिछले सरकार मंजूर हुए लेकिन ठेकेदारों ने काम पूरे नहीं किए। अगर यही हालत अभी भी रही तो फिर उम्मीद नहीं है,
हम तो उम्मीद यही करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी सड़कों को बनवा दे। मिड डे मील को निजी हाथों में दिए जाने से नाखुश मिड डे मील वर्करों ने सरकार के खिलाफ जगह जगह जमकर प्रदर्शन किया। मिड डे मील को निजी हाथों में दिए जाने के चलते वर्करों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। तो जिले वाइज सरकार इसको मिड डे मील को ठेके पे दे रही है, तो हम जो मिड डे मील वर्कर मिड डे मील में काम करते हैं सभी गरीब दबके दे हैं। तो हमने जो पिछली सरकार थी उन्होंने 2500 रुपए हमारे किए थे, और जो ये सरकार आई है अब ये कह रही है कि आप अपने घर जाओ, मिड डे मील की कोई जरूरत नहीं है। और जो स्कॉन कंपनी को देने की बात कर रही है सरकार, अब 1 जुलाई से ही शायद कह रही है, तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर गांव में, हर कूचे में, हर गली में जाएंगे, और हर बच्चे भी इससे नाराज है कि जो स्कॉन कंपनी से खाना बड़ा बन के आएगा वो 3 बजे से 4 बजे से बन के आएगा। अब गर्मी इतनी है कि वो बासी हो जाता है खाना, और उसमें जो पौष्टिक होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। हमारी लड़ाई है कि ताजा बच्चों को बड़ा बनाया हर रोज भोजन मिले, और हमारी वर्कर जो है वो जू की दूर है। अगर उनको छेड़ने की कोशिश सरकार ने की तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, अपना आंदोलन तेज करेंगे, और आने वाली 10 जून को अगर हमारी सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, हमारी समस्या का कोई हल नहीं किया, तो हम आने वाली 10 जून को बहुत बड़ी रैली करेंगे। बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस अपराध को कराने से बाज नहीं आ रहे। बराड़ा में 7 मजदूरों को जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने मुक्त कराया, जो लंबे समय से वहां काम कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रदेश में भी लगातार बाल मजदूरी के मामले सामने आ रहे हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने इसकी फाइल पुट अप की जाएगी, और बैठ के जो भी बच्चों के बयान दर्ज किए जाएंगे, बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि अभी बच्चे कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, कार्रवाई की आए हैं ऑफिसर, आए हुए हैं, इनके उस पर काउंसलिंग होने के बाद जो भी आएगा कार्रवाई करेंगे, ठोके करेंगे। ओलावृष्टि और बरसात के कारण खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार भले ही मुआवजा देने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रेवाड़ी जिले के चिल्हड़ गांव में, जहां किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे परेशान किसानों ने जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि गिरदावरी होने के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि आसपास के गांव में किसानों को मुआवजा मिल चुका है। जो हमारी गेहूं के सरसों की फसल थी वो ओला की वर्षा से खराब हो गई। खराब होने के बाद वो पटवारी आ गया, गिरदावरी करी, और हमसे सटे हुए गांव को मुआवजा मिल गया। एक हमारा चिल्हड़ ऐसा गांव है, जिसको कुछ नहीं। वहीं प्रदेश के दूसरे कई हिस्सों में भी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा न मिलने से किसानों ने नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं। मुआवजा न मिलने से नाराज किसान अब इच्छा मृत्यु की भी मांग कर रहे हैं। जींद के गुरुद्वारा मंजी साहिब में सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस के मौके पर शहीदी गुरु पर्व मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, और जगह जगह लंगर मीठा पानी पिलाकर लोगों को शांति का संदेश भी दिया गया। बताया जा रहा है कि मुगल काल में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के सामने 3 शर्तें रखी थी, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने उनकी शर्तें नहीं मानी और अपने जीवन को त्यागना बेहतर समझा, लेकिन सच्चाई और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिन है, और उनको उन्होंने जो शहीदी दी थी वो शांति के प्रतीक के लिए दी थी, और हम शबीले लगा के ये मनाते हैं कि शांति की और ठंडक में आने के लिए शबीले लगाई जाती है। आज का दिन है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम गुरु अर्जुन देव की शहादत को दोबारा याद करें, उनके जो उपदेश हैं जो उन्होंने हमें सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को हम अपने जीवन में कमाएं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे
स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त है। मेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन ना टूटे, कल भी आज भी, आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा में सच के साथ, खबरें बेबाक। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने गैस टीचर से आंदोलन का रास्ता छोड़कर सरकार से बातचीत करने की अपील की है। रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 7 महीने से गैस टीचर्स की समस्या का समाधान निकालने में जुटी हुई है, परंतु कोर्ट के आदेश सबके लिए लागू होते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व की हुड्डा सरकार पर गैस टीचर के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा वादा है हम इसका समाधान कर लेंगे। हमने जो लेटेस्ट 11 को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब खुद माननीय हाईकोर्ट के सामने पेश हुए, हमारे एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए और हमने अपना एक पक्ष रखा कि पीजीटी साइड में हमारे पास वैकेंसीज हैं और ये जो टीजीटी है इनको हम प्रमोशन करके, हम ईमानदारी से ये जो सरकार है ये इनकी समस्या का समाधान चाहती है। ये जो गेस्ट टीचर है इन नौजवानों के साथ बहुत विश्वासघात किया और उसकी सजा हमारी सरकार को भी मिल रही है और इन बेचारे अतिथि अध्यापकों को भी मिल रही है, परंतु हमारा इनसे वादा है कि हम इनके समस्या का समाधान करेंगे। गैस टीचर के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक सीएम खट्टर को लिखे गए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पत्र के बाद बुलाई गई थी। हालांकि बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बैठक के विषय शिक्षा विभाग से संबंधित थे, इसलिए बैठक के बारे में जानकारी शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ही देंगे। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हर गेंद पर छक्का लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे विषय माननीय शिक्षा मंत्री रामविलास जी के विभाग से संबंधित हैं और इसके बारे में सारी कार्रवाई वो करेंगे और बताएंगे भी भाई इसके विषय पर क्या हो रहा है, क्या करना है और उसके बारे में जानकारी भी वही देंगे। ये तय हो गया तो उनको क्या तकलीफ हो रही है, उनको तो मैं 5वें नंबर से भी पूरा जवाब दे रहा हूँ। उनके लिए तो मैं किसी जगह पर खड़ा हो जाऊँ, मैंने तो कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी मांगूंगा नहीं, किसी को कहूंगा नहीं, किसी को कहा नहीं। जिस भी जगह पर खड़े करेंगे वहां से ही मैं बैटिंग करूंगा और वहीं से सिक्सर मारूंगा।
जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। पानीपत में संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक बार फिर जाटों को आरक्षण दिलाने की हुंकार भरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी कोटे के आरक्षण रद्द किए जाने के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे जाट समुदाय ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रोहतक पीजीआई में गर्भवती महिला और नवजात बच्ची की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया है। इस मामले में अनिल विज ने डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। दरअसल जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया था। डिलीवरी के दौरान नर्स की लापरवाही से नवजात बच्ची नीचे गिर गई थी, जिसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन महिला के शोर मचाने पर नर्स ने उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन अब इस मामले में अनिल विज ने कार्रवाई का आदेश दिया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मेरी सरकार आम आदमी का इंटरेस्ट बात करने के लिए बनी। मैंने हमेशा आम आदमी की लड़ाई लड़ी। वीवीआईपी तो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेते हैं। मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया। एक पीजीआई जैसा इंस्टीट्यूट, हम सारी ताकत लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी जन्म देते हुए मर जाती है। पीजीआई जैसे संस्थान बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले भी ऐसी बहुत घटनाएं आ रही हैं, तो बर्दाश्त नहीं की किसी भी हाल। पेरियार यूनिवर्सिटी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम पर ही सवाल उठाए हैं, बल्कि वहां के छात्रों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पेरियार यूनिवर्सिटी में नकल के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, जहां छात्र को इतनी छूट दी गई थी कि छात्र प्रश्न पत्र को घर ले जाकर भी सवालों के जवाब दे सकता है। इसका खुलासा होने के बाद एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। अब तक तो ऐसी कोई मेरी उसमें नहीं आई, संज्ञान में बात नहीं आई थी। बाकी मैंने खबरें देखकर पता चला कि भाई इस प्रकार की अगर मेरे हलके में कोई बात है तो मैं इस पर तुरंत डीसी साहब को कहूँगा और कार्रवाई करवाऊंगा। शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और अगर इस प्रकार का कोई गिरोह है और वो दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फरीदाबाद के बिजली कर्मचारियों ने सेफ्टी उपकरण की मांग को लेकर जिला विद्युत मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी ने ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये कहा कि ठेकेदार बिजली कर्मचारियों के हक को मार रहे हैं। दरअसल विभाग में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों के पास सेफ्टी उपकरण नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। कर्मचारियों ने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। लार्जेस्ट कैंपस मोर देन 1800